हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिलीशियस कुकिंग आर्ट चैनल। मैं हूँ रीमा। आज मैं लेके आई हूँ जीरा राइस का रेसिपी इन प्रेशर कुकर। जीरा राइस का रेसिपी आपका झटपट बन भी जाएगा और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 कटोरी बासमती राइस ले लिया है। फिर इस चावल को अच्छे साफ पानी से धो लेना है। देखिए, मैंने यहाँ पे चावल को धो लिया है। अभी गैस में मैंने कुकर चढ़ा दिया है, उस पर मैंने 1 टेबल स्पून घी ले लिया है। अभी घी में मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून जीरा ऐड कर दिया है। अभी जीरा को हम थोड़ा सा यहाँ पे भून लेंगे। जब जीरा भून जाए, उस पर मैंने चावल ऐड कर दिया है। फिर मैंने यहाँ पे कुछ करी पत्ता का लीव्स ऐड कर दिया है। फिर इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा चला लेंगे। अभी इसमें पानी ऐड करना है। पानी मैंने यहाँ पे, देखिए, जो कटोरी से मैंने चावल लिया था उसी कटोरी के मेजरमेंट में इसमें 2.5 कप मैंने पानी ऐड कर दिया है। पानी ऐड करके अभी इसे थोड़ा सा अच्छी तरह से चला लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे 4 से 5 लौंग मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, 2 तेज पत्ता, 2 इलायची मैंने यहाँ पे कूट के ऐड कर दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर दिया है। फिर मैंने यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून चीनी ऐड कर दिया है। उसके बाद हम प्रेशर कुकर के ढक्कन को लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे मीडियम फ्लेम में 2 व्हिसल आने तक इसे सीटी लगा लेना है। 2 सीटी लग चुका है। अभी मैंने यहाँ पे प्रेशर कुकर को पहले थोड़ा ठंडा कर लिया है, उसके बाद मैंने यहाँ पे ओपन किया है। तो देखिए मेरा जीरा राइस कैसा बना है। आप देख सकते हैं इंस्टेंट जीरा राइस बन के हमारा रेडी है। इसे मैंने अभी एक बाउल में निकाल लिया है। इस रेसिपी को आप लंच या डिनर कभी भी ट्राई कर सकते हैं। इसे बनाना बहुत इजी है और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।